वेलकम टू अजमेर रसोई। आज हम बनाएंगे राजस्थान के सांभर की सुप्रसिद्ध फिरनी। अगर आप मेरी सारी टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो आपकी फिरनी भी बिल्कुल बाजार जैसी बनेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में हम 250 ग्राम मैदा लेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका टाइट डो तैयार कर लूंगी। आपको इसी तरह से 10 मिनट तक डो को गूंथना है। ऐसा करने से फेनी को खींचते टाइम ये टूटेगी नहीं। फेनी बनाने के लिए हमारा डो तैयार हो चुका है। अब हम इसे इकट्ठा कर लेंगे। आपको डो को इस तरह से गोल कर लेना है। अब हम इसे 30 मिनट हल्के गीले कपड़े से ढककर रख देंगे। अब मैं एक बर्तन में आधा कप देसी घी लूंगी। अब हमें 5 मिनट तक घी को इस तरह से करना है जब तक ये हल्का क्रीमी ना हो जाए। देखिए घी हल्का क्रीमी हो चुका है। हमारे डो को 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम चाकू से इसे 2 बराबर हिस्सों में कर लेंगे। अब हमें डो को इस तरह से गोल कर लेना है। हमें इसे इस तरह से अच्छे से पैक कर लेना है ताकि इसमें कोई दरार ना रहे। अगर इसमें दरार रह गई तो फेनी बनाते टाइम ये टूट सकती है। इसी तरह हमें दूसरे हिस्से को भी गोल कर लेना है। अब मैं डो के थोड़ा सा घी लगा लूंगी। अब मैं डो को 5 मिनट के लिए रख दूंगी और घी को एक अलग बर्तन में निकाल लूंगी। इसे 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे अंगूठे से रिंग की शेप दे दूंगी। अब हमें इसे हाथ से इस तरह से दबाते हुए हल्का सा बड़ा कर लेना है। इसी तरह मैं इसको भी कर लूंगी। अब मैं इनके थोड़ा सा घी लगाकर इन्हें 5 मिनट के लिए रख दूंगी। अब हमें फिर से इसी तरह से हाथ से दबाते हुए हल्का बड़ा कर लेना है। फिर से हम इसके हल्का सा घी लगाकर इसे 5 मिनट के लिए रख देंगे। यही सेम प्रोसेस हमें बार बार करना है। इसे हमें बिल्कुल हल्के हाथों से करना है। ध्यान रखें ये टूटनी नहीं चाहिए। अब मैं इसे थोड़ा सा खींचने के बाद इसे डबल करना स्टार्ट कर दूंगी। अब मैं इसे इस तरह से डबल करके फिर से खींचूंगी। ये जैसे ही थोड़ा बड़ा हो हमें इसे फिर से डबल कर लेना है। यही सेम प्रोसेस हमें बार बार करना है।
अब मैं इसके घी लगाकर इसे 5 मिनट के लिए रख दूंगी। देखिए ये इस तरह का हो गया है, लेकिन इसमें अभी भी मोटे मोटे रेशे हैं। हमें इसे फिर से इस तरह खींचना है। देखिए ये बिल्कुल आराम से खींच रही है, बस आपको इसमें ज्यादा जोर नहीं लगाना है। आपको इसके बीच बीच में घी लगाते रहना है। देखिए इसमें रेशे पतले हो गए हैं, लेकिन हमें इसे बिल्कुल बारीक करना है। देखिए इसके रेशे बिल्कुल बारीक हो चुके हैं। अब हम इसे इस तरह से तोड़कर फीनी की शेप दे देंगे। इसी तरह हम सारी तैयार करके फेनी को फ्राई करेंगे। मैंने तेल को हल्का गरम कर लिया है। अब हम इसमें हमारी फेनी को डालकर फ्राई करेंगे। हमें इन्हें लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। आप इसे इस तरह से किसी भी चीज से अच्छे से फैला लें, ताकि ये अंदर से अच्छे से फ्राई हो जाए। मैं इन्हें पलट लूंगी और अच्छे से फ्राई कर लूंगी। हमारी फीनी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। देखिए हमारी फीनी कितनी अच्छी बनी है और बिल्कुल बाजार जैसी बनी है। आप इसे 1 महीने तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, और जब भी आपका खाने का मन करे तो इसे चाशनी में डिप करके सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।